बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू खाना खजाना विद सदा फैसल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इमीडिएटली असर करने वाली हर्बल टी लेकर आई हूँ। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाला कहवा है ये। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है आप सब ने। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहवा देती हूँ, तो इससे बहुत इफ़ेक्टिव कहवा है, बहुत जल्दी असर हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है आपके गले को, खांसी को, ज़ुकाम को। सबसे पहले देखें जी, हमने एक पैन लेना है, उसमें मैंने 2 कप पानी डाला है और हमने इसको पकाना है। 2 कप पानी डालकर इसमें मैंने एक बादियान का फूल जो होता है उसकी एक पेटल सिर्फ डालनी है, और एक अदरक का टुकड़ा, एक दालचीनी, एक लौंग, एक ब्लैक इलायची मैंने ली है, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है हमने, थोड़ी सी सौंफ डालनी है और चुटकी भर नमक इसमें जाएगा। और बस ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और फिर इस कहवे को लो फ्लेम पर आपने कुक करना है कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ों का अर्क कहवे में अच्छे से आ जाए। अब जो है ना, हमने इसका ढक्कन उठाना है और इसमें मैंने ब्लैक टी यानी कि चाय वाली पत्ती थोड़ी सी डाल देनी है कहवे में, और फिर बस इसको डालने के बाद मैंने ढक्कन लगा देना है और फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद 1-2 मिनट के बाद इसको कवर रखने के बाद हमारा कहवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी, इस कहवे को आपने लेना है सुबह निहार पेट लेना है और रात को सोने से पहले, और इसके ऊपर कोई पानी या कुछ भी खाना पीना नहीं है, बस पीकर आपने गर्मा गर्म सो जाना है। तो जब ये कहवा तैयार हो जाएगा तो इसमें आपने 1 चम्मच शहद डाल देना है और या फिर गुड़ डाल देना है, और बस इसको फटाफट गर्मा गर्म आपने इस्तेमाल करना है। बच्चे बड़े सभी इसको पी सकते हैं, कोई इसमें हमने ऐसी चीज़ नहीं डाली, कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। और सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कहवा है ये। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।